नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान, आपके साथ आपका अपना होस्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि समय समय पर हम नई कृषि संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोशिश यही रहती है कि कृषि से संबंधित बारीक से बारीक तकनीकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस समय मैं मौजूद हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय कृषि मेले में, और हम लोग इस टाइम मौजूद हैं देहात के स्टॉल पर। देहात एक ऐसा नाम है, जब हम बात करते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर की या फिर डिजिटल खेती की, तो जिसने एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। क्या है देहात, कैसे काम करता है, जानेंगे देवेंद्र शर्मा जी से, जो कि रीजनल मैनेजर उत्तर प्रदेश देखते हैं देहात में, पूरा ऑपरेशंस को देखते हैं यूपी के अंदर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। नमस्कार सर। जैसा कि आपने देहात के बारे में बताया, देहात की हमेशा से कोशिश रही है कि किसानों को सारी सर्विस देहात के माध्यम से दी जाएँ, जो आज तक किसानों को नहीं मिल पा रही हैं। देहात बाकी कंपनियों से अलग क्या है, थोड़ा सा इस पर बताएँगे। एक्चुअली होता क्या है किसानों को कि बहुत सारी सुविधा से वंचित रह जाते हैं किसान। जैसे सॉइल टेस्टिंग की बात करें तो अभी तक भी किसान सॉइल टेस्टिंग नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से देहात की सर्विसेज आई हैं तो हमने किसानों को मिट्टी की जांच, मतलब आज के टाइम पे हम एक हफ्ते के अंदर किसानों को मिट्टी की जांच की सुविधा हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाली बात है, मतलब हमारा एक फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, जो हम रूरल एरिया पे लगभग 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में एक देहात सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं। वो देहात सेंटर ऐसा होगा कि वहाँ से उन किसानों को सारी सुविधाएं देहात सेंटर के माध्यम से मिलें, चाहे वो मिट्टी की जांच की सुविधा हो या फिर उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज की बात हो। बीज में भी बात करें तो जैसे अगर उसे पायनियर की कंपनी का चाहिए तो पायनियर का बीज मिल जाएगा, श्रीराम कंपनी का चाहिए श्रीराम का मिल जाएगा। तो हमारे पास में अलग अलग कंपनियों के बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज हम देहात सेंटर तक पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात करें तो देहात, जैसे देहात किसान ऐप है, किसान ऐप के माध्यम से हम किसानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, जिससे किसान को घर बैठे एक तरह का किसान को खुद अपने आप में डॉक्टर बनने का मौका है। इसमें ऐप में जब हम जाएंगे तो ऐप में उसको कोई भी फसल सेलेक्ट करता है तो फसल सेलेक्ट करने पे उसको पूरी शस्त्रक्रिया आ जाएंगी, मतलब बुवाई से लेके और कटाई तक किस समय हमें खाद देना है, कितनी मात्रा देनी है और कौन कौन सी दवाई किस समय इस्तेमाल करनी है, उनकी सारी जानकारी मिलेगी। साथ के साथ एक ऐप में फीचर है जियो टैगिंग का, तो जियो टैगिंग के माध्यम से आज के टाइम पे किसानों को क्या है, पहले पता नहीं चलता था कि कब बीमारी आने वाली है या क्या है, लेकिन जब से हमने जियो टैगिंग कराई है
प्लॉट टैग होने के बाद किसान को नोटिफिकेशन आता है एक हफ्ते बाद आपके खेत में बायोटिक के बायोटिक स्ट्रेस आने वाली है, जिससे किसान पहले तैयार हो जाता है कि हाँ यार अब मेरे को स्प्रे करने का सही समय है। तो टेक्नोलॉजी से हमारा जोड़ने का सदा से रहा है, और इसके साथ साथ किसान ऐप घर बैठे, आज के टाइम पे हमारी एक सर्विस है हाइपर लोकल सर्विस, किसान घर बैठे हमारी देहात किसान ऐप से ऑर्डर लगा सकते हैं, जिससे किसान को घर बैठे 24 घंटे में हमारी होम डिलीवरी हो जाती है और कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, और अलग अलग ब्रांड कंपनियों के प्रोडक्ट उनको घर बैठे मिल जाते हैं। चूँकि जैसा आपने बताया कि किसान ऐप जो है उसके माध्यम से किसान ऑर्डर भी कर सकते हैं, वो अपनी सस्य क्रिया या फिर कृषि क्रियाएं कहें तो उसकी भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है किसानों के लिए। चूँकि यूपी में बैठे हैं और यूपी की बात ना हो तो फिर वो अधूरी रह जाती है, तो खासकर जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहाँ पे ये मेला आयोजित किया जा रहा है, अब तक कितने किसान देहात के साथ जुड़ चुके हैं? देहात के साथ आज के टाइम में अगर हम बात करें तो 10.5 लाख देहात के साथ में फार्मर जुड़े हुए हैं, और लगभग हम 11 राज्यों में अभी हम काम कर रहे हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यूपी के हम सभी पार्ट में हैं, यूपी वेस्ट में भी हैं, यूपी सेंट्रल में भी हैं, यूपी ईस्ट में भी हैं, हरियाणा, पंजाब, और कुछ जगह हम आउटपुट कर रहे हैं, कुछ जगह हम इनपुट कर रहे हैं, मतलब कुछ जगह हम फार्मर्स से प्रोड्यूस भी खरीद रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, कुछ फ्रूट्स खरीद रहे हैं, कुछ जगह हम फील्ड क्रॉप से जैसे धान, गेहूं, मक्का, ये सारी हम सेंटर के माध्यम से खरीद रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि देहात किस तरीके से कार्य करता है, क्या प्रक्रिया रहती है। सर, अंत में चलते चलते मेरा आपसे एक सवाल है कि यदि कोई किसान देहात से जुड़ना चाहता है तो किस तरीके से जुड़ सकता है, क्या प्रक्रिया? जी बिल्कुल, अगर देहात से कोई भी किसान जुड़ना चाहता है तो हमारा सबसे आसान तरीका है कि देहात के टोल फ्री नंबर 1810 36 110 पर एक मिस कॉल करें या एक कॉल करें, कॉल के माध्यम से वो ऑटोमेटिक देहात से जुड़ जाएगा, या देहात किसान ऐप अपने ऐप में डाउनलोड करें, देहात से जुड़ें। हमने अभी किसानों को ड्रोन सर्विस प्रोवाइड कराई थी मुरादाबाद, अमरोहा और हापुड़ वाले किसानों के लिए, बागपत में भी हमने प्रोवाइड कराई थी। किसानों को क्या हो रहा था, सबसे बड़ी समस्या थी शुगर केन में टॉप बोरर और पोका बोइंग की समस्या, सबसे मेजर प्रॉब्लम है उसमें। किसान मतलब लास्ट टाइम पे जब फसल बढ़ जाती है हथियार गिरा देता है, ऐसी कंडीशन में हमने ड्रोन की सुविधा किसानों को प्रोवाइड कराई, और उस सुविधा से किसानों को इतना बड़ा लाभ मिला कि मतलब वो अब ड्रोन की मतलब बुकिंग होने लगी आज के टाइम पे। मतलब देहात सेंटर पहले बोल देता कि ड्रोन हमें आप कब दोगे, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी है और किसानों के लिए वो फ़ायदेमंद है। तो ड्रोन की सर्विस अभी हमने प्रोवाइड कराई थी, और आगे भी ऐसी जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी वो हम किसानों तक पहुँचाएंगे। चलिए, एक अच्छा ऐड ऑन सर ने किया, बताया कि देहात ने ड्रोन सर्विस की सुविधा भी किसानों को देना शुरू कर दिया है, तो यदि आपको ड्रोन सर्विस भी चाहिए तो आप देहात के जो सेंटर्स हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए फसल क्रांति।